नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे सीट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बड़ी होने लगती है, उसकी ताकत बढ़ने लगती है, तब अक्सर बाहर से कहीं ज़्यादा भीतर में लड़ाई तेज होने लगती है। और कुछ ऐसा ही आलम आज भाजपा में, जी हाँ, प्रचंड बहुमत वाली भाजपा में भीतर ही भीतर घमासान है। और काफ़ी समय से चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर कई लोग, कई कद्दावर नेता आपस में भिड़ गए हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो असली लड़ाई है, वो इन दोनों के बीच में है। जी हाँ, भाजपा के चाणक्य अमित शाह और भाजपा के योगी मोंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और आप कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है प्रतिस्पर्धा को लेकर, नंबर एक की लड़ाई मोदी के बाद कौन, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का हो रहा है। घमासान चरम पर है। और आप कह सकते हैं कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे नेता नगरी हो, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में दो खेमे हैं, अमित शाह का खेमा, योगी का खेमा। अब मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर ये जो जंग छिड़ी है योगी आदित्यनाथ के कैंप और अमित शाह के कैंप में, मैंने इस पर कई वीडियोस पिछले दिनों में बनाए। और आप चाहें तो माइक्रो लेवल पे जाने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए, उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर आज ये है कि जो सरकारी मीडिया है, मोदी की जो मीडिया है, या जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया भी अब मानने लगी है कि अमित शाह और योगी के बीच में, जी हाँ, जो प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी बनने की जो प्रतिस्पर्धा है, वो जो दौड़ है, बड़ी तेज़ हो गई, टक्कर की दौड़ है। और अभी आज तक ने एक सर्वे किया, जी हाँ, सबसे तेज चैनल ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया, और उस सर्वे में उसने बताया कि पीएम के उत्तराधिकारी बनने के लिए चार लोग हैं। अब यूँ तो राजनाथ सिंह भी हैं और नितिन गडकरी भी हैं, लेकिन जो असली टक्कर है दो लोगों में है, और ये दो लोग हैं अमित शाह और योगी। यानी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया ने भी मोहर लगा दी है कि हाँ, नंबर एक की लड़ाई मोदी के बाद, उसको लेकर बीजेपी में घमासान है। अब दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये जो टकराव है योगी और शाह के कैंप के बीच में, इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर तो है ही, काडर पे तो है ही, सबसे बुरा असर उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में। जी हाँ, वो सूबा जहाँ से जीत का दारोमदार तय होगा 2024 में मोदी का, वहीं सबसे ज़्यादा घमासान है। अभी घमासान इस कदर है कि बीजेपी की जो स्टेट पार्टी है उसमें भी साफ दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुनील बंसल, जो अमित शाह के सबसे खास दूत थे उत्तर प्रदेश में, जिनके ज़रिए अमित शाह उत्तर प्रदेश चला रहे थे, उन्हीं को वहाँ से विदा कर दिया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनील बंसल का प्रमोशन हुआ है, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। लेकिन योगी का खेमा कह रहा है कि योगी जी ने जो दबाव बनाया संघ पे, तो कहीं ना कहीं विदा कर दिया गया सुनील बंसल को। अब इसको चेक बैलेंस करने के लिए, पार्टी में फिर से मजबूत स्थिति बनाने के लिए, अमित शाह चाह रहे हैं कि वो अपना अध्यक्ष लेकर आए, यानी अध्यक्ष जो है वो अब अमित शाह की पसंद का होगा। ऐसी तैयारियां चल रही हैं और कुछ ही दिन में आपको पता लग जाएगा। अब ये तो रही पार्टी के चेक एंड बैलेंस की बात, जहां फिर से ताकतवर होना चाह रहे हैं अमित शाह और कमज़ोर करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। लेकिन अगर आप सरकार देखें, जिस सरकार की बागडोर योगी जी के पास है, उस सरकार में भी अमित शाह खेला कर रहे हैं, और खेला ये कर रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह, जो योगी आदित्यनाथ के सबसे खास मंत्री हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। और पिछले दिनों ही वो विधान परिषद के नेता सदन से उनसे इस्तीफा लिया गया, और वो चार्ज केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक दोनों ही अमित शाह के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों को ताकत दी जा रही है, और योगी के जो मंत्री हैं उनके कहीं ना कहीं पर कतरे जा रहे हैं। अब इस तरह का जो द्वंद्व है, इस तरह की जो
भीतरी घमासान है या इंटरनल फाइट है अगर बीजेपी में, ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। और शायद इसीलिए गोदी मीडिया सर्वे के बहाने, सर्वेक्षण के बहाने इस द्वंद को हाईलाइट कर रहा है कहीं ना कहीं। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, आज तक ने जो कल सर्वे चलाया उसमें मोदी के बाद कौन हो इसका भी सर्वेक्षण किया, और जो नतीजे आपके सामने हैं, अमित शाह 25%, योगी आदित्यनाथ 24%, नितिन गडकरी 15, राजनाथ 9, यानी 25 और 24, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेक एंड नेक फाइट। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भाजपा के शीत युद्ध भीतरघात का धीरे धीरे शिकार हो रहा है, और इसका जो दुष्परिणाम है हो सकता है 2024 में आपको देखने को मिले, जब नीतीश कुमार बिहार में पाटलिपुत्र से निकलेंगे, दिल्ली जा रहे होंगे और लखनऊ में उनका पड़ाव होगा। ये जो घमासान है कहीं ना कहीं फेवर करेगा विपक्ष को। अब दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इनकी खेमेबाजी तो आप दिखाते हैं, टकराव तो दिखाते हैं, कौन किसके साथ खड़ा है आप वो भी बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी ताकत है और कौन मोदी की उस कुर्सी के करीब है जो शायद जब मोदी छोड़ेंगे तो वहाँ कौन बैठेगा, आप ये नहीं बताते। हालांकि ये एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल थी, लेकिन मैंने कोशिश करी, योगी आदित्यनाथ के, अमित शाह के जो करीबी लोग थे, और सारा डेटा माइनिंग करने की कोशिश करी, और फिर मैं एक तस्वीर लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये तस्वीर अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि इस देश की सबसे प्रचंड बहुमत वाली पार्टी में घमासान किस कदर हावी है और उसमें आगे कौन है, पीछे कौन है। अब अगर आप दोनों में तुलना करके देखें, अमित शाह में और योगी में, तो यहाँ भी आपको लगेगा नेक एंड नेक फाइट है। अगर आज तक ने योगी को 24% का समर्थन दिया और अमित शाह को 25% का समर्थन दिया, तो अगर आप इनका दोनों का बायोडाटा देखेंगे तो 24 साल का एक्सपीरियंस योगी आदित्यनाथ को है, 25 साल का एक्सपीरियंस अमित शाह को है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप गौर करें इस पर, जैसे गवर्नेंस है, गवर्नेंस में अमित शाह 10 साल मोदी जी के साथ मंत्री रहे गुजरात में और 3 साल अब से हैं, तो 13 साल का एक्सपीरियंस है। योगी आदित्यनाथ को गवर्नेंस का मौका बहुत कम मिला, वो सांसद तो बहुत अरसे तक रहे लेकिन उनको किसी ने मंत्री नहीं बनाया, और सबसे पहला मौका उनको 2017 मिला। आप कह सकते हैं कमोबेश 6 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में योगी आधे से कम है। एजुकेशन में इत्तेफाक से दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं, और अमित शाह जो हैं वो एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में बीएससी है, नंबर नहीं मालूम लेकिन हाँ बीएससी की इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में। और योगी आदित्यनाथ मैथ्स के स्टूडेंट हैं, और मुझे लगता है ये गणित काम आएगी उनकी, गणित बैठाने में। स्पीकर के तौर पे देखें, ओरेटर के तौर पे देखें, तो हरगिज हम ये मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे तेजस्वी ओजस्वी भाषण देते हैं और उस अपने भाषण में कुछ भी करा सकते हैं, गुड ओरेटर। और अमित शाह भाषण के मामले में कहीं ना कहीं एवरेज हैं, एक्सपीरियंस मैंने आपको बताई दिया था 25 साल का, उनको 24 साल का है। पोजीशन अगर देखें तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ भी कई कंट्रोवर्सीज रहीं, और होम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह भी दिल्ली में हुए दंगों से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहां पर उनका जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं है जो चिदंबरम की या एलके अडवाणी की रही एज होम मिनिस्टर। इंटीग्रिटी, ईमानदार कौन कितना है, ये जो परसेप्शन है उसमें योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है, अब ये लोग सुनते हैं और मैं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कि पैसा लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करते इस तरह की, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगे, यानी जो रिश्वतखोरी का मामला है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ अब तक उन पर कोई आरोप नहीं है। अब ऐसे आरोप अमित शाह पर नहीं है लेकिन उनके ऊपर आरोप कॉरपोरेट कनेक्शंस का है, क्रोनी कैपिटलिज्म का है, अडानी अम्बानी और तमाम इस तरह के जो गुजरात के व्यापारी हैं, और ठीक है फंड भी वो लाते हैं इलेक्शन के लिए, तो कॉरपोरेट कनेक्शन का उन पर आरोप है। और अगर हिंदुत्व आइडियोलॉजी की आप देखें तो जाहिर तौर पर गुजरात दंगों में बड़े विवादास्पद रहे, हार्ड लाइनर एक उनकी इमेज है, लेकिन योगी तो फिर पूरी तरह से प्रतीक हैं, गेरुआ वस्त्रधारी मोंक चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ नंबर ले लेते हैं वो।
लेकिन एक जगह नंबर योगी के कम हैं, वो है लीडरशिप अप्रोच। और लीडरशिप अप्रोच अगर आप देखेंगे तो अमित शाह जहाँ भी जाते हैं अपनी टीम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने योगी के नाक के नीचे अपनी टीम बना ली है, और योगी मुख्यमंत्री बन के भी अपनी टीम नहीं बना पाए। स्वतंत्र देव सिंह या कुछ और इस तरह के मंत्री उनके साथ हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी साथ हैं। ये वही योगी थे जिनके खिलाफ 150 विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। तो लीडरशिप में कहीं ना कहीं आपको कमज़ोरी दिखेगी योगी आदित्यनाथ में। लेकिन फिर भी अगर हिंदुत्व की राजनीति संग कर रहा है तो मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। असली दारोमदार तो ये है कि मोदी के कौन कितने करीब है। फैसला तो मोदी को लेना होगा। अब मोदी के करीब कौन है, अब अगर किसी नौसिखिए से भी पूछ लिया जाए या जिसे थोड़ी बहुत सियासत में दिलचस्पी है, वो भी बता देगा कि साहब ये तो गुजरात लॉबी हैं, दो ही लोग हैं और उन दो के पीछे दो हैं, यानी अमित शाह और मोदी, और उनके पीछे अंबानी अडानी, चार ही तो लोग हैं। तो गुजरात लॉबी, पार्ट ऑफ द गुजरात लॉबी हैं अमित शाह, और निसंदेह सबसे करीब आज की तारीख में उनके वो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, बीजेपी में भी सबसे करीबी हैं और वैसे भी सबसे करीबी हैं, और स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं स्ट्रैटेजिस्ट, सारे चुनाव वही बिसात बिछाते हैं। मोदी के भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बीजेपी के भी हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टी 2014 के बाद जिसे न्यू बीजेपी कहते हैं उसमें एक सॉलिड बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कुछ ताकत है अमित शाह की। लेकिन अगर आप योगी को देखें तो भले ही वो बहुत क्लोज नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के, उनके नरम गरम रिश्ते, कभी प्रधानमंत्री उनको मेज़ पे बहुत दूर बैठा देते हैं और कभी लखनऊ जाते हैं तो पीठ पर हाथ रख देते हैं, तो नरम गरम रिश्ते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि 2017 के बाद मोहन भागवत से लेके और जितने भी बड़े नेता हैं आरएसएस के, उनसे अच्छा रिश्ता योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। और जो साधु संत समाज है उसमें भी एक ज़बरदस्त बैठ है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर लड़ाई हिंदुत्व की हुई तो योगी यहाँ पर एक चैलेंजर तो दिखते हैं, कम से कम जहाँ तक अमित शाह का सवाल है। अब दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 में, तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो कट ऑफ डेट यानी जो उम्र तय करी है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर अनाधिकारिक तौर पर, वो उम्र है 75 ईयर्स। और आपने देखा कि 75 साल के ऊपर जितने भी नेता थे सबको रिटायर किया गया, और हो सकता है कि 75 साल के बाद मोदी खुद रिटायर हुए। अब 2025 बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि तब मोदी भी 75 साल के होंगे, और ये वही सन है 2025 जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे। अब जानकार कहते हैं कि 100 साल में, जब आरएसएस के 100 साल होंगे, मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे आरएसएस को लेकर, बीजेपी के एजेंडे को लेकर। और उसके बाद हो सकता है सेप्टेम्बर के बाद जब वो 75 साल के हो जाएँ तो स्टेप डाउन करें। लेकिन अमित शाह इस तारीख को तारीख नहीं मानते हैं। उन्होंने भीतर ही भीतर जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो है प्रोजेक्ट 2029, प्रोजेक्ट 2029। अब ये उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि पार्टी में वो देख रहे हैं कि 2029 के बाद वो शीर्ष पर पहुंचेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोनों के बीच में गुजरात लॉबी में। और अगर प्रोजेक्ट 2029 हम देखें तो उस वक्त सीनियर मोस्ट लीडर, मोदी के बाद सबसे सीनियर लीडर जो हैं वो अमित शाह रहेंगे 2029 में। ऐसी उनकी प्लानिंग है, ऐसी उनकी योजना है। और आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी, राजनाथ, उनको शायद रिटायर कर दिया जाए 2024 में। रविशंकर प्रसाद जो सीनियर हैं अमित शाह से, मुख्तार अब्बास नकवी जो सीनियर हैं, राजीव प्रताप रूडी एक्सपीरियंस में सीनियर हैं, इन सबको धीरे धीरे, प्रकाश जावड़ेकर जो जितने भी बड़े आप कह सकते हैं उम्रदराज एक्सपीरियंस में ज़्यादा थे, जो सीनियर लोग थे सब रिटायर कर दिया अमित शाह ने धीरे धीरे एक एक करके। और एक लंबी फेरिस्त मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, कंटेंडर्स, प्रतिस्पर्धा किससे होगी उस वक्त। और अगर आप देखें उनकी उम्र देखें तो कमोबेश एक ही साथ, अगर शिवराज सिंह चौहान को आप छोड़ दें, तीन कंटेंडर्स हैं। देवेंद्र फडणवीस, जिनके पर अभी उन्होंने कतर दिए जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया एकनाथ शिंदे के नीचे, तो एक बहुत बड़ा झटका था देवेंद्र फडणवीस को।
योगी आदित्यनाथ, इसके बारे में तो चर्चा हो ही रही है। योगी आदित्यनाथ उस वक्त भी 2029 के वक्त भी एक चैलेंज के तौर पर रहेंगे। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जो चुनाव आने वाला है मध्य प्रदेश का। शिवराज जी वैसे भी इस वक्त एक बहुत कमज़ोर विकेट पर हैं। एक चीज़ और, अमित शाह की कोशिश है कि ज़्यादातर जब वो 2029 में हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें अगर हैं तो उन्हीं के मुख्यमंत्री हों। जैसे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को वो यूपी में ग्रूम कर रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा को उन्होंने जो है असम की गद्दी दे ही दी है, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी और भी कई जगह उनके प्रयोग हो रहे हैं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इस तरह के फैसले अमित शाह ही करते हैं, हालांकि सलाह मोदी जी की होती है, रिकमेंडेशन मोदी जी का होता है। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह 2029 के लिए अभी से पार्टी के स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से खड़ा कर रहे हैं, यानी पार्टी भी पूरी तरह से उनके हाथ में होगी। ये है प्रोजेक्ट 2029 जिसकी मैंने आपको झलक दी, लेकिन इससे पहले भी कुछ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चाहे वो अमित शाह हों चाहे मोदी हों, इनकी हर चाल अनप्रिडिक्टेबल होती है, कोई भांप नहीं सकता। अब दोस्तों, मैंने कोशिश करी कि कंपैरिजन ड्रॉ करूं अमित शाह के बीच में, योगी आदित्यनाथ के बीच में, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी के बीच जो घमासान है, और सबसे बड़ी घमासान है कि मोदी के बाद कौन, इसलिए इन दोनों का मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है, वो फाइनल नहीं है, एक झलक, एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का मैंने एक पैटर्न आपको दिया है कि कौन कितने पानी में है। और कहीं कहीं अमित शाह ज़्यादा लगते हैं और कहीं कहीं योगी लगते हैं। बहरहाल, कहा जाता है कि जब इस तरह की लड़ाई, ये जो घमासान है, ये जब घर में होती है तो फ़ायदा अक्सर बाहर वाला उठाता है। और बाहर वाला जो है, जी हाँ, नीतीश कुमार, वो एकदम करीब आके घर के बाहर खड़े हो गए। ये वो शख्स हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है, 8 बार के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश से लेके मायावती, सबसे इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। और अखिलेश जो गदगद हैं जब से एक नई सरकार बनी है समाजवादियों की, और क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है लालू परिवार से, अखिलेश भी उनका जो एक मनोबल थोड़ा सा नीचे दिख रहा था, थोड़ा सा अपबीट नहीं थे, और जोशो खरोश में आ गए। कोई उनसे पूछ सकता है हाउस था जोश, और हो सकता है मिलिट्री स्कूल के पढ़े अखिलेश वो विजयी साइन बनाए, ऐसी उनकी स्थिति हो सकती है। अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश की भी कोशिश है, नीतीश की भी कोशिश है, सोनिया गांधी की भी कोशिश है, सीताराम येचुरी की भी कोशिश, सबकी कोशिश है कि आखिरी 6 महीने में मायावती को मना लिया जाए। और मायावती मान गई तो फिर जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री उत्तर प्रदेश की, वो इस अंदरूनी घमासान में, ये जो योगी वर्सेस अमित शाह है, वो केमिस्ट्री, वो मैथमेटिक्स 2024 में भारी पड़ेगी। और उसका एक कारण और है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के बहुत से मुद्दे, और एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर भले ही जो उनके समर्थक हैं वो आज की तारीख में काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन मोदी जी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी, वो लहर तो नहीं कहूँगा, अंडर करंट है देश के कुछ हलकों में। बहरहाल, ये आज का वीडियो था, ऊँट कैसे करवट लेता है ये 1.5-2 साल आपको देखने होंगे। लेकिन एक चीज़ तय है कि अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ का असर भाजपा पर बुरा पड़ रहा है, और मोदी जी भी परेशान हैं, क्योंकि सेहरा उन्हीं को पहनना है अगर पार्टी 2024 में फाइनल जीतती। तो आज का ये वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भेजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट भेजिए, किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो भी सजेशन आपके आने चाहिए, मैं पढ़ता हूँ और कोशिश भी करता हूँ आपको जवाब देने का। फिलहाल आज बस इतना ही, आखिर में वही इल्तिजा है कि इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और गोदी मीडिया का जो प्रोपोगंडा है उसको काउंटर करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और जो भी आपके आपको लगता हो लाइक माइंडेड लोग हों उन तक ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। तो यही बस आज की बात थी, और हाँ, बेल आइकन भी आप क्लिक कर लें अगर आपने क्लिक ना किया हो, सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल जाए, खबर पहले मिल जाए। आज बस इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।